बिहार के पटना से आसनसोल के बीच रेलवे ने इस ट्रेन का किया एक्सटेंशन। चूंकि यह एक स्पेशल ट्रेन होगी, तो आइए बात करते हैं ट्रेन के जानकारी के बारे में और अन्य अपडेट के बारे में। रेलवे की तरफ से इस ट्रेन का संचालन केवल जुलाई महीने तक किया जाना था, लेकिन पैसेंजरों की डिमांड को देखते हुए इस ट्रेन का दोनों ही दिशाओं में एक्सटेंशन कर दिया गया है। 30 अगस्त तक दोनों ही दिशाओं में यह ट्रेन कुल 18 ट्रिप चलाई जाएगी। आसनसोल से पटना के बीच यह ट्रेन श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन बनकर 30 अगस्त तक प्रत्येक बुधवार और सोमवार को चलेगी। टाइम टेबल की बात करें तो 4:50 पर यह ट्रेन शाम में आसनसोल से खुलेगी और यहां से रवाना होने के बाद उसी दिन यह ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन 11:55 पर रात में पहुंचेगी। इसके अलावा दूसरे दिशा में यह ट्रेन 03512 के साथ पटना से आसनसोल के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन बनकर प्रत्येक गुरुवार और मंगलवार को 1:15 पर पटना से रवाना होगी और उसी दिन 8:30 पर आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। दोनों ही दिशाओं में इस ट्रेन का स्टॉपेज में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले की तरह इस ट्रेन का स्टॉपेज सामान्य रूप से उन सभी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा जो पहले मिलता था। इसके अलावा इस ट्रेन में सुविधा की बात करें तो सामान्य कोच के साथ साथ द्वितीय सेकेंड क्लास के कोच और चेयर कार की सुविधा दी गई है। आइए बात करते हैं ट्रेन के स्टॉपेज के बारे में। यह ट्रेन आसनसोल से खुलने के बाद चितरंजन, मधुपुर, जेसीडी, सिमुलतला के रास्ते झाझा, जमुई, क्यूल, लखीसराय होते हुए यह ट्रेन पटना को आएगी। 333 किलोमीटर का सफर यह ट्रेन दोनों ही दिशाओं में तय करेगी, जो कि एक बड़ी अपडेट है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए।